बैक टू माई चैनल वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी हाँ, यहाँ पर जो आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है वो आ रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। जैसे कि आपको पता है, कल टनकपुर में एक रोजगार मेले का उन्होंने आयोजन किया था, यानी कि सॉरी उसका शुभारंभ किया था। तो वहाँ पर उन्होंने एक जो है बड़ी बात कही है, उसका एक्सक्लूसिव वीडियो हमने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में अपलोड किया है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। लेकिन उस शुभारंभ के दौरान उनके भाषण की जो मुख्य हाईलाइट रही वो ये रही कि अगले वर्ष 19,000 नौकरियों का वादा जो है यहाँ पर इन्होंने किया है। और पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले, आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और आप हमें टेलीग्राम से जरूर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल करा दिया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, धामी ने रोजगार मेले का शुभारंभ के अवसर पर की बड़ी घोषणा, अगले वर्ष होंगी 19,000 नौकरियां आपके लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में नए साल यानी कि 2023 में 19,000 नौकरियां मिलेंगी। 7,000 नौकरियों के भर्ती की प्रक्रिया इस साल दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में शनिवार को रोजगार मेले के शुभारंभ के अवसर पर की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कल जो है रोजगार मेले का आयोजन हुआ था, वहाँ पर उन्होंने इसको लेकर बात कही। उसके अलावा 35 कंपनियाँ जो है रोजगार देने पहुँची और बेरोजगार मिले ही नहीं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की यहाँ पर अतिशयोक्ति है कि टनकपुर में सरकार और जिला प्रशासन की ओर से रोजगार मेला इस आशय से आयोजित किया गया ताकि रोजगार के लिए जूझ रहे युवाओं का को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से रोजगार मेले को 15 दिन से चली आ रही तैयारियां धरी की धरी रह गईं। आलम यह रहा कि जितने पदों पर भर्ती की जानी थी उसके 25% युवा भी रोजगार मेले में शिरकत नहीं कर सके। इसका कारण यह है कि दूसरे राज्यों में कम वेतन में गुजारा नहीं हो सकेगा। रोजगार मेले में लगभग 35 कंपनियां यहां पर आई थी, और उसके अलावा मैं यहां पर इसलिए भी शायद लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि टनकपुर आप देख सकते हैं जिस तरह से ये रोजगार मेले का आयोजन करवाना था, कहीं ना कहीं इसका जो एडवर्टाइजमेंट है या फिर नोटिफिकेशन है आप कह लीजिए लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं शासन को भी इसमें अपनी वो समझनी चाहिए। लेकिन फिलहाल यहां पर बड़ी खबर ये है कि यहां पर जो है 7,000 नौकरियों पर भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी, और उसके अलावा यहाँ पर जो है अगले साल आपको 19,000 नौकरियां देखने को मिलेंगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की बात करेंगे। विधानसभा बैकडोर भर्तियों पर जो है कल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि इसको लेकर हमने डिटेल वीडियो कल शाम को ही बना दिया था जब ये अपडेट आई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27, 28 व 29 सितंबर को जो कर्मचारियों की बर्खास्तगी विधानसभा अध्यक्षता ने की थी, यानी जो उनको टर्मिनेशन लेटर दिए गए थे उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा गया था कि उन्हें किस वजह से यहाँ पर टर्मिनेट किया गया है। तो हाल फिलहाल हाईकोर्ट ने उनके टर्मिनेशन पर जो है रोक लगा दी है। अब वो लगातार जैसे पहले काम करते थे उसी तरह से काम करते रहेंगे, और 19 दिसंबर को यानी कि लगभग 2 महीने के बाद यहाँ फिर से सुनवाई है। उसके अलावा विधानसभा सचिवालय चाहे तो नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया कर सकती है, यानी कि अगर उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से अगर कोई पद भरने हो तो वहाँ पर वो भर सकते हैं, लेकिन इनको हटा नहीं सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो गोविंद सिंह कुंजवाल जिनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा भर्तियाँ हुई थी, उन्होंने क्या कहा कि विधानसभा से बर्खास्त किए गए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को न्यायालय पर भरोसा है। आज न्यायालय की एकल पीठ की रोक से इस बात की तस्दीक कर रही है कि विधानसभा सचिवालय ने एक तरफा कार्रवाई को जनहित का तमगा पहनाने का प्रयास किया। किसी भी सरकार को इस तरह का प्रयास नहीं करना चाहिए। विधानसभा सचिवालय के इस तरह के कदम से सैकड़ों कर्मचारियों के सम्मुख जो है काफ़ी दिक्कतें आ गई। कहीं ना कहीं आज ये ऐसा कह रहे हैं, इसके लिए शायद ये
खुद जिम्मेदार हैं। अगर इन्होंने सही समय पर बैकडोर से भर्तियां नहीं की होती तो शायद आज इस तरह के आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिल सकती थी। आप देख सकते हैं खुद कुंजवाल के कार्यकाल में, आप देख सकते हैं कि 150 कार्मिक, अग्रवाल के टाइम पे 2020 में तदर्थ नियुक्तियाँ की थी 6 कार्मिक, उनके अलावा 72 कार्मिक, उसके अलावा आप देख सकते हैं करीब 102 के ज़्यादा इन्होंने, और कुल मिला के 250 के आसपास से कर्मचारी जो है 2016 से लेकर 2022 के बीच में जो है विधानसभा में बैकडोर से भर्तियां हुई थी। अब बात करते हैं घोटालों के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में इसमें लगातार घोटाले चल रहे हैं, और आपने देखा होगा कि उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने एक लेटर लिखा है शासन को, जिसमें उसने तमाम उन भर्तियों का जिक्र किया है जिसमें रिजल्ट भी आ चुके हैं, डीवी भी हो चुकी है, चयनित छात्र जो है, इसको लेकर आपने देखा होगा कि कल सचिवालय के सामने उन्होंने काफ़ी हंगामा किया और जन आक्रोश रहा, और जो कि लाजमी भी है और जो कि बनता भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 19,000 में से 7,000 भर्तियाँ रद्द। जैसे कि ऑलरेडी हमने कहा है कि आपको सबसे पहले बताया था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अगले साल 19,000 भर्तियां का वादा है, लेकिन इसी साल 19,000 में से 7,000 भर्तियां तो ऑलरेडी रद्द हो चुकी हैं। आयोग की नाकामी से 35% सरकारी भर्तियां हो गई रद्द। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस लेटर में आपने देखा होगा पूरा का पूरा ठेकरा जो है आयोग ने आमसेस टेक्नो सॉल्यूशन के मत्थे चढ़ गया, यानी कि सारी जो जिम्मेदारी है आमसेस टेक्नो सॉल्यूशन की है, आयोग की यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य सरकार ने साल 2014 में भर्ती आयोग का गठन हुआ था, इसके बाद आयोग ने 2015 में पहली परीक्षा कराई थी उसकी क्या कहते हैं SI की, वो भी जो है विवादों के घेरे में है। उसके बाद BPDO 2016 उसकी जांच चल रही है, और उसके अलावा सचिवालय रक्षक, कनिष्ठ सहायक, जुडिशियल, तमाम ऐसे पद हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हुए हैं, सभी के ऊपर कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेटा आ रहा है कि आज तक 88 परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, जिसमें से 19,390 पद शामिल हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 10,045 का ही अंतिम चयन हो पाया है, जबकि आयोग अभी तक 6,957 पदों की परीक्षा या तो खारिज कर चुका है या फिर खारिज करने की संतुष्टि की जा चुकी है। इस तरह से कुल विज्ञापित पदों के मुकाबले रद्द पदों का आंकड़ा 35% पहुंच रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से यहां पर पूरा ये डेटा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, जिससे यह साबित होता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाया है जिस उद्देश्य से उसको बनाया गया था। उसके अलावा आप देख सकते हैं भर्ती निरस्त होने पर तमाम अभ्यर्थियों ने कल, चाहे वो LT हो, चाहे वो कनिष्ठ सहायक हो, चाहे वो BPDO हो, कल जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो बिल्डिंग है जिसे लाल कोठी कहा जाता है, उनके सामने वो काफी जो है आक्रोश यहां पर रहा। उसके अलावा बात करते हैं एक बार फिर बैकडोर की भर्तियों को लेकर, तो यहाँ पर जो रितु गंडोई हैं, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो कि उस जांच कमेटी को लीड कर रही थी, उन्होंने कहा है कि नियुक्तियों पर कोर्ट का आर्डर मिलने के बाद ही यहाँ पर जो है फैसला लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विधानसभा में बर्खास्त कर्मचारियों को लेकर आए नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब एक बार फिर विधानसभा की नियुक्तियों पर चर्चा शुरू हो गई है। बर्खास्त कर्मचारियों को इस फैसले से जहां बड़ी राहत मिली है, वहीं विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी के सामने अब अपने फैसले को ही साबित करने की चुनौती बढ़ गई है। याद हो जब ये कल फैसला आया था तभी हमने कहा था कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा डिसीजन BJP को बैकफायर कर गया है, और उसका बानगी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ से गलत साबित हो, क्योंकि इसके बाद आपने देखा होगा ऋतिक खंडूरी का खुद पर्सनल स्टाफ जो है बैकडोर की भर्तियों से लिया गया था। तो यहाँ पर और उसके अलावा जो जब से राज गठन हुआ है और नियमित जो एम्प्लॉय हो गए हैं उनके ऊपर अभी तक कोई डिसीजन जो है विधानसभा अध्यक्ष का ना लेना, कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि जो ये डिसीजन लिया गया था ये जनहित की, यानी कि जो आक्रोश लोगों में था उसकी वजह से लिया गया था, जो कि बैक कम्प्लीटली जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को बैकफायर कर गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में धांधली सामने आने के बाद विधानसभा में हुई बैकडोर की भर्ती पर भी कई सवाल उठे थे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। कोर्ट ने लगभग 250 कर्मचारियों की जो बर्खास्ती की गई उनमें से 150 भर्ती वर्ष 2016 में कांग्रेस के टाइम पर हुई और उसके अलावा 100 से अधिक भर्तियां भाजपा के विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल के समय में हुई थी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसमें सरकार ने खुद की। उसके अलावा जो आप देख सकते हैं विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद भाजपा ने सरकार और विधानसभा की सोची समझी रणनीति करार दिया है। उनको कहना है कि जिस तरह से ये चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी जो गले की फांस है उसको बचाने की कोशिश की है, तो इसलिए दिया गया क्योंकि पूर्व विधानसभा अध्यक्षों के कई करीबी इसमें शामिल थे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो गाइज आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इन खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। मिलता हूँ इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।